YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमंडल का अपना चैनल यानी खबर सुनता। आइए हम वार्ड संख्या नगर निगम के वार्ड संख्या 2 में पहुंचे हैं और जानते हैं कौन दो दिग्गजों के बीच में चुनावी टक्कर होने जा रहा है वार्ड पार्षद में और यहाँ की कुछ मुख्य समस्याएं जो कि हम यहाँ के वार्डवासियों से पूछ रहे हैं, ये कुछ बताने के लिए उत्सुक हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 2 पड़ेगा नगर निगम का। कौन सा एरिया है? एरिया हो गया घोर आश्रम रोड। पहले तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय हुआ। आप ये बताइए कि यहाँ की कुछ मुख्य समस्या क्या है, क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी है, दो तीन है। सप्लाई वाटर का हो गया, बिजली का बहुत बढ़िया हो गया है, बिजली का भी समस्या है कुछ घरों में। विद्यालय है सरकारी, लेकिन वहाँ पर स्ट्रेंथ बुक में जो बच्चे जाना चाहिए उतने बच्चे जाना चाहिए, शिक्षक तो बहुत से उसको बड़ा होना चाहिए, वैसा स्ट्रेंथ नहीं है। और समस्या रह गया सड़क का, पानी हो गया, विद्यालय और अच्छा होना चाहिए था, सरकारी विद्यालय है, बच्चे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये आप बताइए कि आपके वार्ड में 8 प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, तो आप बता सकते हैं कि दो दिग्गजों के बीच में वार्ड पार्षद में चुनावी टक्कर किन किन में, एक नंबर पे कौन चल रहा है? 8 खड़े हैं, लेकिन ब्रश छापते हैं सुशीला कुमारी, शिक्षित महिला हैं, अभी भी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में बीएड कर रहे हैं, शिक्षित हैं, उनके टक्कर में अभी मेरे ख्याल से लगता है कोई नहीं है। माने तो एक नंबर पे टक्कर है, एक नंबर पे हैं, और लोग हैं खड़े, जैसे मान लीजिए यशोदा देवी हो गया है, रामदेव राम की पत्नी हो गया है, संध्या देवी तो वहाँ हैं, मतलब कहिए क्या क्या आपको लगता है कैसा टक्कर है सेकेंड में? माने तो किनको आप बता रहे हैं? सेकेंड का तो सवाल ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, जो चलिए 7 लोग हैं जी, और टक्कर में सेकेंड में मान के चलिए रामदेव राम की कुटुम्बधु हैं। क्या नाम है प्रत्याशी का? उनका नाम तो नाम भी हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसा मैंने पूरा माहौल बना हुआ है, ब्रश छाप सुशीला कुमारी हैं, शिक्षित महिला हैं, यशोदा जी भी हैं, सब गाँव परिवार के हैं, सब कोई अपना ही आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा आलोक कुमार गुप्ता पड़ेगा। आलोक जी, आप बताइए आप इस मोहल्ला का क्या नाम है? इस मोहल्ला का नाम है पटेल नगर फुटना पड़ेगा जी। कितना नंबर वार्ड में है? ये तो 2 है। 2 है। यहाँ की कुछ मुख्य समस्या को बताइए। यहाँ पर का तो मुख्य समस्या हमको यह दिखने को मिलता है, अब बहुत दिक्कत भी है यहाँ पे, पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई गरीब आदमी को घर नहीं मिल पाता है बढ़िया से, और कुछ भी ऐसा खास नाली हो गया, नाली का बहुत बड़ा दिक्कत है, नाली का दिक्कत बहुत ज़्यादा है। क्या पिछले प्रतिनिधि यहाँ के लिए कुछ दिक्कत कुछ भी नहीं किया, खाली वोट मांगने आते हैं, बाकी इसका कोई सलूशन नहीं चलता है उनका। ये बताइए कि कौन माने वार्ड पार्षद में हम देख रहे हैं कि 8 प्रत्याशी आपका मैदान में है, लेकिन कौन दो दिग्गजों के बीच में चुनावी टक्कर होने जा रहा है, थोड़ा सा एक नंबर में आप दर्शकों को बता दें टक्कर किन किन में? सुशीला कुमारी है आपका, संगीता देवी हैं, फिर आपका यशोदा देवी हैं, वगैरह वगैरह कई हैं, लेकिन कुछ लाइट में आने का बताइए। फर्स्ट में उषा देवी आते हैं, फर्स्ट में ऑटो रिक्शा उषा देवी, एक कमांड एक पर, और जो कि बजराहा के हैं उषा देवी, और सेकंड में पटेल नगर की, पटेल नगर में जो है संगीता देवी, दूरबीन छापे जिनका, इन लोग दोनों में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा टक्कर होने वाला है पटेल नगर जी जी।
आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव से ही प्रतिनिधि उठी हुई हैं, जो कि वार्ड पार्षद क्रमांक संख्या 1 में ऑटो रिक्शा छाप है, उनका पलटा भारी लग रहा है हमें, ठीक है। और यहां से संगीता देवी जो दूरबीन छाप है, वो हमें लग रहा है कि उनके बीच में दोनों के बीच में टक्कर होने वाली है।